हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल में। मैं पुष्पा आपके सामने और एक रेसिपी के साथ आ गई हूँ। आज का जो रेसिपी है स्वीट है, बासुंदी स्वीट। बासुंदी बहुत अच्छा एक फेमस स्वीट है और उतना ही अच्छा टेस्ट रहता है। इसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया जाता है, सिर्फ दूध से बनता है। चलिए आगे प्रोसेस में चला जाते हैं। ये कैसा बनाते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है, फैट वाला दूध लिया है। फैट दूध है तो अच्छा गाढ़ा बनेगा ये बासुंदी, इसलिए मैं फैट दूध लिया है। देखिए दूध मसलना शुरू हो गया है, एकदम उसको मलाई ऊपर आ चुका है। अभी इसको लगातार मिलाना है, मिलाते हुए इसको पकाना है। बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा और बच्चों को बड़ों को सभी को पसंद आएगा। दूध को मीडियम फ्लेम में पका लेते हैं ताकि आराम से पके, गाढ़ा बनना है। मैं 1 लीटर का दूध लिया है, उसको 1/2 लीटर हुए तक पकाते हैं, तभी तो दूध अच्छा गाढ़ा बनेगा। देखिए दूध गाढ़ा बनना शुरू हो गया है। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लिया है यहाँ पे, बादाम, काजू, पिस्ता और 1/2 कप शुगर लिया है। बादाम और काजू को छोटा छोटा थक काट लेते हैं। दूध गाढ़ा हुआ है मगर और थोड़ा गाढ़ा होने देते हैं। जितना गाढ़ा रहेगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए मैं बादाम, पिस्ता और काजू को छोटा छोटा काट चुकी हूँ। दूध भी अच्छा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। देखिए और थोड़ा गाढ़ा हुआ तो अच्छा रहता है। तब तक हम यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स काट के लगाए वो भी डाल देते हैं। डाल के अच्छा दूध में पका लेते हैं तो तभी अच्छा टेस्ट आएगा। एक टेस्ट इतना अच्छा टेस्ट रहता है। ड्राई फ्रूट डालने के बाद देखिए और थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अभी और एक 5 मिनट तक इसको पका लेते हैं ताकि ड्राई फ्रूट्स भी अच्छा पक सके। बासुंदी बनने के बाद हमेशा फ्रिज में लगाइए, ठंडा होने के बाद फ्रिज में लगाइए। फ्रिज में लगाने के बाद 1 आधे से 1 घंटे तक लगाइए। लगाने के बाद खाइए, आप लोगों को इतना अच्छा टेस्ट रहेगा, उससे और कौन सा भी टेस्ट नहीं दिखेगा आपको, उतना अच्छा टेस्ट आएगा। मैं यहाँ पे येल्लो कलर मिक्स कर रही हूँ। अगर आपके पास केसर है तो केसर डाल सकते हैं, मगर मेरे पास नहीं है इसलिए येल्लो कलर डाल चुकी हूँ। बासुंदी येल्लो कलर रहता है, लाइट ऑरेंज कलर, इसलिए मैंने मिक्स कर दिया है। इसके बाद अभी पकता है, थोड़ा सा पकाने के बाद इसको कलर चेंज होता है, ऑटोमेटिकली आप लोगों को दिख जाएगा। लगातार इसको मिक्स करते रहना है क्योंकि नीचे दूध पकड़ लेता है तो एक जलने का स्मेल आता है तो पूरा ख़राब हो जाएगा, इसलिए मिक्स करते रहना है। देखिए कलर चेंज हो चुका है मैं कलर मिक्स करने के बाद। अभी बासुंदी का कलर आ चुका है। अभी इसमें शुगर मिला लेते हैं। शुगर मिला के अच्छा मिक्स कर लेंगे। कंटिन्यूसली मिक्स करना है। अभी चाहिए तो आप लो फ्लेम में कर सकते हैं क्योंकि हम शुगर डाले हैं। लो फ्लेम में लगा के मिक्स करना है। इसमें केसर है, केसर थोड़ा सॉल्टी रहता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल चुकी हूँ। मैं इलायची पाउडर को स्वीट में डालने के लिए हमेशा शुगर में मिक्स करके लगा लेती हूँ साइड में, वही डाला है। देखिए इलायची डालने के बाद खुशबू, इतना अच्छा खुशबू आ रहा है। देखिए गाढ़ा हो गया थोड़ा। अब गैस से उतारने के बाद ये और गाढ़ा हो जाता है, ठंडा होने के बाद एकदम गाढ़ापन दिखेगा इसका। देखिए ड्राई फ्रूट्स भी कितना अच्छा दिख रहा है। 1 लीटर से 1/2 लीटर से भी कम हो चुका है दूध, बहुत गाढ़ा बन चुका है। देखिए आप लोगों को देखने से पता चल जा रहा है, बहुत अच्छा गाढ़ा बना चुका है इसमें। दूध तो अच्छा गाढ़ा हो चुका है। अभी इसको हम गैस को बंद कर देते हैं। बंद करके आपको सर्विंग बाउल में सर्व करके बताती हूँ। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है कलर भी, और ड्राई फ्रूट्स भी उतना ही अच्छा दिख रहा है। इसमें ड्राई फ्रूट्स दूध में पके हैं ना, बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। मैं थोड़ा ड्राई फ्रूट्स बचा के लगाया था, वो भी अब गार्निश कर देती हूँ। गार्निश करके आपको बताती हूँ कितना अच्छा दिख रहा है।
यकीन मानिए उतना ही अच्छा टेस्ट रहेगा। आप लोग घर में बनाइए, बना के फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। जिसको मीठा पसंद है वो लोग एक कप नहीं दो कप पियेंगे। अभी इसको मैं फ्रिज में लगाती हूँ ठंडा होने के बाद। ये थोड़ा इसके बाद में और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। ये अभी गाढ़ा है और थोड़ा गाढ़ा हो जाता है ठंडा होने के बाद। अगर आप लोगों को मेरा रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना भूलिए मत जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी, ताकि आप लोगों तक पहुंच सके। अगर आप लोग क्रीमी दूध नहीं तो नॉर्मल दूध लेते हो वक्त ध्यान रहिए, 1.5 लीटर लीजिए और उसको 1/2 लीटर होने तक पका लीजिए। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद दोस्तों।